हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नया नया बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ, ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज हम जिम बिजनेस प्लान पर चर्चा करेंगे कि आप कोई फिटनेस सेंटर, कोई योगा सेंटर या जिम खोल करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग लाखों रुपए महीने कमाते हैं, कस्बों में भी लोगों ने काम शुरू कर दिया है। आजकल आपको छोटे मोटे कस्बों में भी जिम दिख जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बॉडी बिल्डिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों, वो फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, एप्स बनाना चाहते हैं, पैक बनाना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग में काफी ज्यादा लोग रुचि दिखा रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे कि जिम आजकल का ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, अच्छी सेहत मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2000 स्क्वायर फीट की जमीन की जरूरत पड़ेगी। 2000 स्क्वायर फीट जमीन में आप मशीनें वगैरह सही से लगा सकते हैं। और इसके लिए आप स्टार्टिंग में, अगर आप कस्बे वगैरह में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, कोई छोटा सा शहर है, कस्बा है, अगर आप वहां इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करिए। आपको इसमें 3 से 5 लाख रुपए लगाने हैं, इससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी बड़े शहर में हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप 5 लाख से ऊपर रुपया लगा सकते हैं। अगर आप 2000 स्क्वायर फीट जमीन रेंट से लेते हैं, तो आपको काफी ज्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट जमीन का जो रेंट होगा वो भी अच्छा खासा होगा। तो इसके लिए आप कोशिश करिए, अगर आपका खुद का कोई प्लाट वगैरह पड़ा हुआ हो, तो आप अपनी खुद की जमीन पर अगर जिम खोलते हैं तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर आप रेंट पर लेते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में उसमें जो खर्चा करना है वो आप मशीनों पर करिए, ज्यादा उसमें इंटीरियर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे से शहर या कस्बे में खोल रहे हैं, तो आप ज्यादा इंटीरियर वगैरह बनाने से बचें और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा आप मशीन पर लगाएं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कस्बे में किसी छोटे शहर में खोलना चाहते हैं, तो आप 3 से 5 6 लाख रुपए तक, आप 3 से 6 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। 3 से 6 लाख रुपए में आपको जालंधर या दिल्ली से आप इसका मशीनें खरीद के ला सकते हैं। वहां से होम डिलीवर भी हो जाता है, वो लोग करा देते हैं। तो आप जालंधर या दिल्ली से, जालंधर जो कि पंजाब में पड़ता है, तो जालंधर से आप मशीनें खरीद के ला सकते हैं। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी आपको दुकानें मिल जाएंगी, या फिर आप दिल्ली से भी सामान खरीद के ला सकते हैं और अपने शहर में, अपने कस्बे में जिम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी बड़े शहर में या किसी सिटी में है, बड़ी सिटी में है, तो वहां 5 लाख से ऊपर 10 लाख या 15 लाख तक रुपए लगा सकते हैं। वहां आप अगर आप इंटीरियर वगैरह अच्छा बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीरियर आप जो है, 30 जितना भी पैसा आप जिम में लगाना चाहते हैं, उसका 30% पैसा ही आप इंटीरियर में लगाएं, 70% जो पैसा है वो आप मशीनों पर लगाएं। ठीक है, जो भी पैसा आपको लगाना, ताकि जैसे कि आपको कभी भी मान लीजिए कि आपको जिम हटाना पड़ जाए वहां से, या बंद करना पड़ जाए, तो इंटीरियर तो आपका बेकार हो जाएगा, वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, नया कोई बंदा लेगा, उसको अपने हिसाब से इंटीरियर बनवाएगा। तो आप इंटीरियर में कम से कम पैसा लगाएं, 30% पैसा लगाएं, और 70% जो पैसा है वो जिम पर लगाएं, उसकी मशीनों पर लगाएं। रिसेप्शन थोड़ा सा अच्छा बना लीजिए, वहां पर जो है आपके पास लेडीज और जेंट्स ट्रेनर होने चाहिए। स्टार्टिंग में आप जेंट्स ट्रेनर रखिए, और जब लेडीज आना शुरू कर दें, ठीक है, लेडीज इंक्वायरी आने लगे, तो आप लेडीज ट्रेनर रखिए। स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी 10-15 मशीनों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप मशीनें उसमें बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी जो आपके जो मेंबर्स हों, जो कस्टमर्स हों, वो बढ़ते जाएं, वैसे वैसे आप मशीनों की व्यवस्था अपनी बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जिम में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा सिटिंग का अरेंजमेंट का आपको देखना होगा, जैसे कि स्टील वगैरह की चेयर होती हैं, बेंच वगैरह होती हैं, वो भी आप जिम में रखें, ताकि लोग आए तो वहां पर थोड़ा बैठ सके, वेट कर सके, गाने वगैरह सुन सके। इसके लिए आपको बेहतर जो हाई बीम म्यूजिक जो स्पीकर वगैरह होते हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि जिम में जब म्यूजिक वगैरह लोगों को मिल जाता है, थोड़ा सा डीजे और जो पॉप सॉन्ग्स मिल जाते हैं, तो लोगों को जिम करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, काफी ज्यादा मजा आता है उनको। तो इस तरीके से अगर इंटरेस्टिंग माहौल बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश ये करें कि फीमेल्स ज्यादा आपके जिम में है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा माहौल, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाला अच्छा माहौल बनाना होगा। गर्ल्स आए, वो अपने आप को वहां पर जिम में सिक्योर महसूस करें, तो इससे गर्ल्स की संख्या बढ़ेगी और इससे आपको फायदा रहेगा। जहां पर गर्ल्स की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर जो मेंस होते हैं उनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, पुरुषों की संख्या वहां ऑटोमेटिक
ज्यादा हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि गर्ल्स फीमेल्स वहाँ ज्यादा हैं, फीमेल्स ज्यादा आएंगे तो मेल्स ऑटोमेटिक संख्या उनकी बढ़ जाएगी। तो इन सब सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और आपको इंटीरियर पर कम से कम खर्चा करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको मशीनों पर खर्चा करना है। अगर आप आपकी अपनी खुद की जगह है तो जिम ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आप रेंट से जगह लेंगे तो एक तो आप मशीन में 4-5 लाख रुपए लगा देंगे और ऊपर से आपका महीने का 10-20-30 हजार रुपए जो किराया जाएगा, 30-40 हजार रुपए, वो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, रिस्क हो जाएगा। और मान लीजिए कि मेंबर्स आपको नहीं मिलते हैं, अगर लोग वहाँ जिम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, आपकी लोकेलिटी कैसी है ये भी डिपेंड करता है, अगर वहाँ के लोग जिम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आप अपने एरिया और लोकेशन को देखकर ही जिम खोलें, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या लोग जिम आना पसंद करेंगे। वैसे काफ़ी ट्रेंडिंग है, स्टार्टिंग में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो है वहाँ पर, अगर आप कस्बे या छोटे से शहर में, तो वहाँ पर आप कम इन्वेस्ट करें, 3-6 लाख रुपये ही इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर में हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, एरिया है, तो आप वहाँ पर 5-10 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा रुपए लगा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप इंटीरियर पर ज़्यादा रुपया ना लगाएं और कोशिश करें कि ज़मीन जो है वो, जो भी आप जो मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, जो आपने जिम के लिए जो प्लेस लिया हुआ है, तो वो रेंट पर ना हो, अगर वो आपका खुद का हो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और अगर आप रेंट पर भी ले रहे हैं और अगर एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि शहरी क्षेत्र है, बड़ा शहर है, तो अगर आप रेंट पर भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। है तो आप इसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, जैसे कि आप उसमें एक साइड में आप योगा सेंटर खोल सकते हैं कि योगा ट्रेनर रख सकते हैं, और आप एक वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स स्पेशलिस्ट रख सकते हैं, उसके साथ में आप एक न्यूट्रिएंट्स शॉप भी चला सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट आते हैं, बॉडी बिल्डिंग पाउडर वगैरह आता है, मिल्क पाउडर आता है, प्रोटीन एक्स वगैरह आता है, तो ये सब भी सेल कर सकते हैं, ये सब 4-5 हजार रुपए के बिकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर फ्रूट शॉप भी चला सकते हैं, अपनी खुद की फ्रूट्स बेच सकते हैं, आप जूस बेच सकते हैं, क्योंकि जूस पीना भी लोगों के लिए, सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप पनीर बेच सकते हैं, क्योंकि पनीर में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप एक डेयरी भी जिम के अंदर खोल सकते हैं, जिसमें पनीर है, दही है, आपका छाछ है, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद चीजें होती हैं उनको आप उसमें बेच सकते हैं और काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो एक तो जिम के साथ साथ आप योगा ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं, उसके साथ आप डांस क्लासेस भी चला सकते हैं साथ ही में, क्योंकि जिम में जो कस्टमर्स जो लोग आने लगेंगे वो डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में वो आपकी शॉप से जूस ले सकते हैं, आपकी शॉप से मिल्क है, पनीर वगैरह है, ये भी ले सकते हैं, प्रोटीन एक्स ले सकते हैं, बहुत सारे जो हेल्दी प्रोडक्ट होते हैं वो खरीद सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो जिम के साथ आप बहुत सारे ऐसे शॉप्स वगैरह आप जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो कुल मिला के आप जो है 1 लाख के ऊपर जा सकते हैं, आप 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये महीने तक कमा सकते हैं, कि आपके वहाँ पर 3-4 इनकम सोर्स जो है जनरेट हो जाएंगे। एक तो आपका जिम हो जाएगा, दूसरा योगा सेंटर हो गया, तीसरा आपका डांस क्लास भी हो गया, क्योंकि ट्रैफिक तो आपको जिम से ही मिल जाएगा, तो जिम का जो ट्रैफिक होगा वो उसके लोग जो होंगे वो डांस क्लास ज्वाइन करेंगे, वो योगा ज्वाइन करेंगे, और वो जब तीनों जगह तीनों प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो वो आपके प्रोडक्ट जो खाने पीने से संबंधित जो आप हेल्दी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी खरीदेंगे। तो इससे आपके एक पंथ और चार काज का काम करेगा ये बिजनेस। तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, अगर बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं आपके लिए कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।